आज का ये प्रोग्राम जो है इन्वेस्टमेंट बाजार का, वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी हिमाचल प्रदेश द्वारा ये जो स्टेट में एसएमई और एमएसएमई इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हम मतलब आते हैं कंसिडरेशन के लिए, उसकी फाइनेंसिंग कैसे की जाए, जो कि गवर्नमेंट का आजकल फोकस है कि ग्रीन एनर्जी पे जाना है, तो ग्रीन एनर्जी बेस्ड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके बीच में जो फंडिंग गैप आता है उसको कैसे फुलफिल करना है, उसके लिए डिफरेंट बैंकिंग स्टेक होल्डर्स आज आए थे, उनमें मेनली सिडबी, एसबीआई, पीएनबी, यूको बैंक और अदर एसोसिएटेड बैंक सारे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए थे, और इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी से भी 5 इंडस्ट्रियल प्रपोजल जो थी वो उनके साथ सामने रखी गई, जिसमें वन टू वन डिस्कशन के बाद जो है कम से कम 5 में से 2 प्रोजेक्ट्स को एट द स्पॉट बिटवीन प्रोजेक्ट डेवलपर और बैंकर के बीच में मैचिंग करवाई गई, और ये स्कीम जो है वो फार फ्यूचर भी इंडस्ट्रीज के लिए ओपन रखी गई है कि जिनका कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हो वो बैंकों के साथ टेकअप कर सकते हैं, और ये जो इनिशिएटिव है ग्रीन एनर्जी का केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का उसको आगे बढ़ाने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा, और हम सारे एज ए टीम ये जो ग्रीन कॉज है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, इसको मूव फॉरवर्ड करने के लिए ये आज की वर्कशॉप जो है एक स्टेप है, और दिस विल क्रिएट विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इन ऑन दिस सब्जेक्ट।